नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने हार्ड डिस्क के ड्राइव को पार्टीशन कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि अगर आपके कंप्यूटर में दो ड्राइव के पार्टीशन है तो आप हार्ड डिस्क पार्टीशन करके नया ड्राइव बना सकते हो, जिसमें आप किसी भी तरह के फाइल्स या फिर फोटोज या फिर वीडियोस को रख सकते हो। दोस्तों, बहुत बार हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिनकी वजह से हमें अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन करना पड़ता है और पार्टीशन करके नया ड्राइव बनाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके कंप्यूटर में दो ड्राइव हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में जो सी ड्राइव होता है वो सिर्फ सिस्टम के लिए होता है, आप उसमें किसी भी तरह के एक्सटर्नल फाइल को नहीं रख सकते हो दोस्तों। अगर आप उसमें किसी भी तरह के एक्सटर्नल फाइल को रखते हो तो आपका विंडो करप्ट हो सकता है दोस्तों। और जो हमारा दूसरा डी ड्राइव है, उसमें हम बहुत सारी फोटोज, वीडियोस या फिर मूवीज वगैरह को रख देते हैं, जिससे कि हमारा ड्राइव भर जाता है या फिर हमें कुछ पता नहीं चलता है कि इसमें हमारा कौन सा फाइल कहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों, वैसे वक्त में हम सोचते हैं कि क्यों ना हम नया हार्ड डिस्क लगा लें या फिर अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके नया ड्राइव बना लें, जिससे कि हम अपने फाइल्स को अलग रख सकते हैं, वो फोटोज हो या फिर वीडियोस हो या फिर किसी भी तरह के फाइल्स हो। तो दोस्तों, ऐसे में हमें हार्ड डिस्क का पार्टीशन बनाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके नया ड्राइव बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस और टेक्स रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे कंप्यूटर में 500 GB का हार्ड डिस्क है, जिसमें कि मेरा 4 पार्टीशन है दोस्तों, और उसमें से तो एक पार्टीशन सिस्टम का है दोस्तों। तो सिंपली मैं अपने कंप्यूटर में फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने कंप्यूटर में फाइल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आपको 4 ड्राइव दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जिसमें कि आप देख सकते हो आपको पहला ड्राइव दिख रहा होगा 97 GB का, और दूसरा ड्राइव है 195 GB का, और तीसरा ड्राइव है 123 GB का, और चौथा है 48 GB का दोस्तों। और अगर हम इन चारों को मिला के जोड़ दें तो ये 500 GB के करीब होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप चौथे नंबर पे जिस ड्राइव को देख रहे हो फ्रेंड्स, जो कि है 48 GB का, इसे मैं पार्टीशन करके अलग ड्राइव बनाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि मैं 20 GB का बनाने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके अलग ड्राइव बनाना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा जो चौथा ड्राइव है वो है 48 GB का, तो इसे मैं पार्टीशन करके 20 GB अलग से बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो मेरा यहाँ पे 5 ड्राइव हो जाएगा, जिसमें कि मेरा एक ड्राइव 28 GB का बनने वाला है और दूसरा ड्राइव 20 GB का। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के फाइल को कट कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो दिख रहा है कंप्यूटर का आइकन, तो आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करें। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मैनेज का ऑप्शन, तो आप सिंपली मैनेज पे क्लिक कर दें। मैनेज में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपको लास्ट में दिख रहा होगा डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हो आपके कंप्यूटर के जो भी 4 ड्राइव्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स होंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो मेरे कंप्यूटर में 4 ड्राइव्स है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 4 ड्राइव्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपने चौथे ड्राइव को पार्टीशन करके नया ड्राइव बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो हार्ड डिस्क पार्टीशन करने के लिए फ्रेंड्स, आपको अपने ड्राइव में राइट क्लिक करना होगा कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा श्रिंक वॉल्यूम का, आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चेंजिंग करना है, जो कि आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना MB में फाइल डालना है फ्रेंड्स, कि जितना आप अपना MB बनाना चाहते हो, मतलब कि जितना GB का फाइल बनाना चाहते हो, आप सिंपली यहाँ पे उसे टाइप कर दें। तो आप एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि 1 GB में 1000 MB होता है, तो अगर मुझे 20 GB का बनाना है तो मुझे यहाँ पे 20,000 लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। 20,000 MB लिखने पे यहाँ पे 20 GB का फाइल बनेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सिंपली 20 GB टाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है 20,000 MB। उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा श्रिंक का ऑप्शन, तब सिंपली उस पर क्लिक कर दें। श्रिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप साइड में देख सकते हो आपको ग्रीन कलर का नया ड्राइव दिख रहा होगा, जिसमें कि आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा 19.5 GB का फ्री स्पेस फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा नया ड्राइव बन चुका है दोस्तों। नया ड्राइव बनने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर आप अपने ड्राइव का लेटर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको चेंजिंग नहीं करना है तो आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है।
फिर से नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा फिनिश का बटन, तो आप सिंपली उस पर क्लिक कर दें। फिनिश वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो मेरा 4 ड्राइव था, तो यहाँ पे मेरा 5 ड्राइव हो चुका है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा हेल्थी लॉजिकल ड्राइव। तो चलिए हम इसे अपने फाइल में जाके चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सिंपली मैं अपने कंप्यूटर में फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 4 ड्राइव था, तो यहाँ पे मेरा 5 ड्राइव हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं अलग से अपना फाइल, फोटोज या फिर किसी भी तरह के वीडियोस को रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हार्ड डिस्क पार्टीशन करना कितना ही आसान है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके नया ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं, और ये करना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस और टेक्स रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।